हाँ मुझे मालूम है कि इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल को देखकर लोग यही कहेंगे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। पर पहले मेरी बात पूरी सुन तो लीजिए। कॉमिक बुक पढ़ना आपके लिए आसान होगा, पर उन मासूम लोगों का भी सोचिए जो अपने फेवरेट सुपर हीरोज की मूवीज को देखकर उनके बारे में और जानना चाहते हैं और उनकी कहानियां पढ़ना चाहते हैं। पर कॉमिक्स की दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी और कंफ्यूजिंग है कि कहां से शुरू करें पता ही नहीं चलता। मेरा भी हाल कुछ महीनों पहले ऐसा ही था और मैंने भी जल्दी ही कॉमिक बुक पढ़ना शुरू किया है। लेकिन अगर ये बातें मुझे पहले मालूम होती जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो शायद मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान पाता। पर फिर भी आपको ये दिक्कत ना झेलनी पड़े, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कॉमिक बुक से जुड़ी हुई फंडामेंटल बातें जो एक हर शुरुआती कॉमिक बुक रीडर को समझनी चाहिए, जो आपके कॉमिक बुक पढ़ने के इंटरेस्ट को और भी अच्छे से जगाएंगी। वैसे भी इस गर्मियों की छुट्टी में बाहर घूमकर लू लगवाने से तो अच्छा ही है कि घर में बैठकर अपने फेवरेट कैरेक्टर की कहानियां पढ़ी जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ही आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये रहा इस वीडियो का टाइम स्टैम्प। इस वीडियो को आसानी समझने के लिए मैंने इस वीडियो के अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड किया है और कौन सा सेक्शन टाइमलाइन के किस पॉइंट पर है मैंने इसके बारे में भी जानकारी दी है। पर फिर भी अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारे सेक्शंस मिलकर आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ चीजें पहले से ही मालूम है या आप इस वीडियो को पहले भी देख चुके हैं, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम स्पॉट पर भी जंप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिसकंसेप्शन यानी गलतफहमी की। ये कहना कि कॉमिक बुक का मतलब सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो कॉमिक्स, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हॉलीवुड मतलब सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो मूवीज, जो कि पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल मूवीज की तरह ही कॉमिक बुक में कई सारे जॉनर्स होते हैं, चाहे बात कर लीजिए रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर एंड सो ऑन। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि कई सारे ऐसे नॉन सुपर हीरोइक मूवीज और टीवी शोज भी हैं जो डायरेक्टली अपने कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन इन ब्लैक, द मास्क, लॉक एंड की, प्रीचर और लूसिफर जैसे टीवी सीरीज और मूवीज। अब इस चीज का उल्टा भी होता है, जहां पर पहले से ही एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजीज पर बाद में कॉमिक बुक्स को रिलीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार वॉर्स, एलियंस, असैसिन्स क्रीड, स्कूबी डू और जुरासिक पार्क जैसी फ्रेंचाइजीज हैं जिनके फेमस होने के बाद इन पर कॉमिक बुक्स पब्लिश की गईं। यानी सीधी सी बात है, अगर आप सुपर हीरो से भी हटकर कुछ कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो गाइज, आपने कॉमिक बुक की वैरायटीज तो देख ली, अब चलिए बात करते हैं कॉमिक बुक के टाइप्स के बारे में। तो अगर बात की जाए कंटिन्यूएशन के हिसाब से, तो कॉमिक बुक को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, ऑनगोइंग और कंप्लीटेड। ऑनगोइंग यानी वो कॉमिक सीरीज जो अभी मार्केट में लेटेस्ट है और इनकी स्टोरी अभी भी चल रही है। जनरली ऐसी सीरीज के कॉमिक के कहानी के पार्ट्स को हफ्तों या महीनों के हिसाब से पब्लिश किया जाता है, जिन्हें सिंगल इश्यूज कहते हैं, और इसमें तकरीबन 20 से 25 पेजेस होती हैं, जिन्हें आप तकरीबन 10 से 20 मिनट के अंदर पढ़ के खत्म कर सकते हैं। लेकिन वही कुछ समय बीतने के बाद ये कंपनीज इन्हीं सिंगल इश्यूज का कलेक्शन भी पब्लिश करती हैं, जिन्हें वॉल्यूम्स कहते हैं, और रीडर को एक कलेक्शन ऑफ इश्यूज एक ही जगह पर मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऊपर से मेजर कॉमिक बुक कंपनीज जैसे कि मार्वल और डीसी हर साल अपने कॉमिक बुक्स को एक सॉफ्ट रिबूट देने की कोशिश करती हैं, जिससे नए रीडर्स को उनके कॉमिक बुक्स को पढ़ने में आसानी हो। और तो और कॉमिक बुक कैरेक्टर्स और उनके साथ पिछली बार क्या हुआ, इस बारे में भी एक ब्रीफ जानकारी कॉमिक बुक के पहले ही पेज पर दी होती है, जिससे आगे की कहानी समझने में आसानी होती है। अब अगर बात की जाए कंप्लीटेड स्टोरी लाइंस की, तो जाहिर सी बात है नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर उन कॉमिक सीरीज की बात हो रही है जो कम्प्लीट हो चुके हैं। जहाँ पर कभी कभार लंबे चले आ रहे कॉमिक बुक सीरीज को स्टोरी आर्क्स के रूप में भी डिवाइड किया जाता है, जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर कहानी को समझाते हैं, और ये स्टोरी आर्क्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ इवेंट्स या फिर कलेक्शन ऑफ मिनी स्टोरी लाइंस भी हो सकती हैं, जो मिलकर एक बड़ी कहानी को डेवलप करती हैं। मिसाल के रूप में मार्वल की फेमस सिविल वॉर स्टोरी लाइन को ही ले लीजिए, जिसकी बेसिकली 7 इश्यूज थी, पर फिर भी इसके कई सारे टाई एंड और प्रिल्यूड कॉमिक्स भी थे। साथ ही साथ सिविल वॉर स्टोरी लाइन का कई सारे कैरेक्टर्स पर इफेक्ट भी पड़ा था, जिसके कारण उनकी छोटी छोटी कहानियां भी मेन सिविल वॉर स्टोरी लाइन का हिस्सा थी, और यही बेसिकली सिविल वॉर स्टोरी आर्क है। इनके अलावा भी एल्सवर्ल्ड स्टोरी लाइंस भी होती हैं, जो बेसिकली लिमिटेड इश्यूज के लिए चलती हैं, और ये कैरेक्टर्स के अलग अलग मल्टीवर्सल वर्जन्स पर बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैटमैन हु लव्स, सुपरमैन रेड सन या फिर द डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स।
एनी कंप्यूटेड स्टोरी आर्क्स और लिमिटेड एल्सवर्ड स्टोरीज को कभी कभार ओमनीबस या फिर ग्राफिक नॉवेल के रूप में एक बुक की तरह पब्लिश किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो के असल मुद्दे कि आखिर कैसे कॉमिक बुक को पढ़ा जाए। सबसे पहले अगर आप कॉमिक बुक रीडिंग में इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनगोइंग या लेटेस्ट सीरीज के झंझट से दूर रहिए, मे बी तब तक जब तक उसकी स्टोरी आर्क पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। इस दौरान आप लिमिटेड स्टोरी लाइंस या फिर एल्सवर्ड्स की कहानियां पढ़ें, और जब आप कॉमिक बुक पढ़ने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे तब आप ऑनगोइंग सीरीज को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है, जहाँ पर आप सिंगल इश्यूज को रिलीज के वक्त ही पढ़ सकते हैं, पर फिर भी अगर आप वेट करें तो कुछ वक्त बाद उन्हें वॉल्यूम में भी पब्लिश किया जाता है। आप सीधे उसे उठाकर पढ़ सकते हैं और आपको हर एक इशू को खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर इशू एक ही जगह पर मौजूद होगा। और अगर आपकी चॉइस एक ग्राफिक नॉवल में अवेलेबल है तो फिर पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पूरी स्टोरी एक ही किताब में मिल जाएगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कंप्लीटेड स्टोरी आर्क के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आप इंटरनेट पर अच्छे से रिसर्च करें, और आपकी हेल्प विकिपीडिया और फैंडम जैसे साइट्स काफी अच्छे से कर देंगे। साथ ही साथ कुछ वेबसाइट्स पर आपको स्टोरी आर्क्स के समरी भी मिल सकते हैं। और तो और अगर आप चाहें तो कैरेक्टर्स की हिस्ट्री और ओरिजिन जानने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन आर्टिकल्स का भी सहारा ले सकते हैं, जिसके कारण आपका काम और भी ज्यादा आसान हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज अवेलेबिलिटी की। ये कॉमिक्स अगर हमें मिलेंगी तो मिलेंगी कहाँ? सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको इंग्लिश मार्वल या फिर डीसी कॉमिक्स कभी भी हिंदी में पढ़ने को तो नहीं मिलेंगी, कम से कम लेटेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, इंडिया में जितना मूवीज का क्रेज है उतना कॉमिक बुक्स का नहीं, पर फिर भी कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको शुद्ध हिंदी में कॉमिक बुक को ट्रांसलेट करके समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुपर सुपर हिंदी या फिर कॉमिक वर्स जैसे हिंदी यूट्यूब चैनल्स। वहीं पर अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आपको कॉमिक बुक को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का तो आप कंप्लीट स्टोरी लाइन की समरी कॉमिक स्टोरियन और वेरिएंट कॉमिक जैसे इंग्लिश यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं, और यकीन मानिए ये लोग इस काम में बहुत माहिर हैं। वहीं पर अगर आप इन कॉमिक बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में किसी कॉमिक बुक को खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है वो डिजिटल से थोड़ा महंगा होगा। वहीं पर अगर आप सिंगल इश्यूज की जगह वॉल्यूम्स को खरीदते हैं तो वो कलेक्टिवली काफी ज्यादा किफायती होता है, और एक वॉल्यूम तकरीबन 750 से 1000 रुपए के आसपास पेपरबैक फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप इन कॉमिक बुक्स का फिजिकल कलेक्शन नहीं बनाना चाहते तो आप चाहें तो कॉमिक्सोलॉजी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पर आपको $6 पर मंथ में तकरीबन हर पब्लिशर की कॉमिक बुक मिल जाएगी। वहीं पर अगर बात की जाए इन कॉमिक बुक्स को फ्री में पढ़ने या फिर डाउनलोड करने की, तो कई सारी ऐसी थर्ड पार्टी साइट्स हैं जो लेटेस्ट कॉमिक बुक्स को अपलोड करती हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि ये चीजें इलीगल हैं और ये पायरेसी के अंदर आता है। सो गाइस, ये थी कॉमिक बुक रीडिंग से जुड़ी हुई हर वो जानकारी जो एक बिगिनर कॉमिक बुक रीडर को जरूरत पड़ सकती है। मेरी अब तक की नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, पर फिर भी मुझसे कोई डिटेल छूट गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही आने वाली ऑसम वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप उन्हें सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त या फिर आपका जानने वाला इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। अंत में हमारी ऐसे ही ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।